हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सब से ये टॉपिक पे बात करूंगी कि कैसे हम अपने पुराने जितने भी कप होते हैं, चाय के कप या फिर कॉफ़ी के मग, वो तो ऐसे बिना ड्रेनेज होल के होते हैं, बिना किसी छेद के होते हैं, तो उन्हें हम एज अ पॉट कैसे यूटिलाइज करें। देखिए, मेरे पास कुछ कप्स हैं और यहाँ पे मैंने मिट्टी भी तैयार करके रखी है। मिट्टी मैंने वेल ड्रेन बनाई है, बिल्कुल कुछ नहीं ऐड किया है। बस इसमें मैंने ऐड किया है 50% गार्डन सॉइल और 50% सैंड। तो आपको बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल बनानी है, और जैसे कि आप सबको पता है कि कप में कोई ड्रेनेज होल नहीं होता है, और अगर कप से पानी बाहर ना आए और ऊपर ही रह जाए तो फिर पौधा मर सकता है। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपको उस कप के सबसे नीचे कुछ या तो गिट्टी आपको ऐड करनी है, जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है वो, या तो आप सैंड ले सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, उसे छान कर जो बड़े बड़े उसमें कंकड़ होते हैं उसे आप यूज़ कर ले, या फिर अगर वो भी आपके पास नहीं है तो फिर आप पुराने जो पॉट्स टूटे हुए हैं उन्हें आप टुकड़े टुकड़े करके छोटे छोटे टुकड़ों में उसे कन्वर्ट कर दे, और फिर उसे आप कप में सबसे नीचे लेयर में आप उसे यूज़ कर ले। यहाँ पे मैंने 2 कप में गिट्टियों का यूज़ किया है और 2 कप में पुराने जो मेरे गमले थे उन्हें तोड़कर फिर मैंने डाल दिया है इसमें। फिर अब इसमें आपको कम से कम जो कप होती है, जो आपकी मग होगी, कॉफ़ी मग या फिर जो कप होगी, उसका 1/4 पार्ट आपको फिल करना है इससे, ताकि जितने भी आप अगर पानी डालते हैं तो वो नीचे चला जाए और इन गिट्टियों के सहारे वो पौधे को ख़राब ना करे। ऐसे आपको ब्रेक करना है छोटे छोटे पीसेस में और फिर उसे कप में ऐड कर देना है। बहुत सिंपल है और आपके यहाँ जितने भी कप है वो यूटिलाइज भी हो जाएंगे। और अच्छा, अब मैं आपसे बात करती हूँ कि इसमें आपको पौधे कैसे चूज़ करने हैं। पौधे आपको ऐसे चूज़ करने हैं जिनके की रूट्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, या फिर पौधे के साइज़ बहुत छोटे होते हैं, उस तरह के आपको यूज़ करने हैं इसमें पौधे। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप किसी पौधे को चूज़ करते हैं तो आपको ऐसा पौधा चूज़ करना है जो कि ड्राई मिट्टी पसंद करता हो, या फिर जिस प्लांट को मॉइस्ट सॉइल ना पसंद हो। जैसे बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनको मॉइस्चर वाली सॉइल पसंद आती है, तो वैसे प्लांट्स को आपको अवॉइड करना है। यहाँ पे हमने पहले गिट्टी भरा कप्स में, और फिर उसके बाद मैं जो मैंने सॉइल तैयार करके रखा था उसे मैं भर रही हूँ। मिट्टी थोड़ी गीली है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई है 2-3 दिन से, तो सूख नहीं पाई मिट्टी और मैंने बहुत पहले ही मिट्टी तैयार करके रखी थी। तो सारे कप्स में हमें भर लेना है मिट्टी को अच्छे से, और फिर एक्स्ट्रा मिट्टी हटा देना है। यहाँ पे जो मैंने पौधे चुने हैं उसमें से कुछ सक्यूलेंट्स है, और आप देख सकते हैं एक इचेवेरिया या फिर ऐसे ही कुछ नाम है उस सक्यूलेंट का, वो है, और एक हेज प्लांट है, और ये वाला जो आप प्लांट देख रहे हैं ये बेसिकली हेज के लिए यूज़ किया जाता है। कहीं भी आपको अपने गार्डन में बाउंड्री करनी है या फिर हेज आपको लगाना है तो फिर उसके काम में आता है ये प्लांट। और इस कप में लगने के बाद देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये प्लांट। जब ये और थोड़ा बड़ा हो जाएगा और इसमें ज़्यादा लीव्स आ जाएंगे तो और भी खूबसूरत लगेगा। सेकेंड वाले कप में मैं ऐड कर रही हूँ सक्यूलेंट, क्योंकि सक्यूलेंट की जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है, तो इसलिए मैं इसे वीक में एक बार बस वाटरिंग करूँगी, तो इसमें ओवर वाटरिंग का कोई भी चांस नहीं होगा और ये बहुत अच्छे से इस कप में बढ़ेगा। थर्ड जो कप है, बीच में मैंने होल किया और फिर मैंने इसमें जो स्पाइडर प्लांट के रनर्स हम कहते हैं,
स्पाइडर प्लांट से जो छोटी छोटी डालियां निकलती है और उसमें से फिर नए पौधे जो निकलते हैं वो है ये। और ये भी बड़ा जब होगा तो बहुत खूबसूरत लगता है, ऐसे छोटे छोटे कप्स में, छोटे छोटे गमलों में। पौधे को मिट्टी में डालने के बाद आपको थोड़ा प्रेस करना है मिट्टी को, ताकि ये हिले नहीं पौधा। फिर फोर्थ वाले में मैं टैंगल्ड हार्ट का प्लांट डालूंगी। मैंने इसकी कटिंग्स छोटे से पॉट में लगा कर रखी थी और अब इसमें बहुत ही अच्छे से रूट्स डेवलप कर चुके हैं, तो मैं इसी में इसे डाल दूंगी। जब ये सारे पौधे बड़े हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, तब आपको लगेगा कि कितने सुंदर ये कप्स हम यूज कर सकते हैं एज अ पॉट। यहाँ पे देखिए मैंने चारों कप में प्लांट्स ऐड कर दिए हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं पॉट्स। एक तो पहले ही से ये सारे कप्स कलरफुल है और ऊपर से ग्रीन और रेड कलर के प्लांट इनमें और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें पानी आपको कैसे देना है। जैसे कि आपको पता है कि कप में 1/4 हिस्सा आपका ग्रेवल से, या फिर आप कह सकते हैं कि जो गिट्टियाँ थी उनसे हमने भरा था, तो आपको ठीक उसी साइज़ के कप के नाप से पानी लेना है और हाफ कप आपको पानी लेना है, ताकि जब आप पानी डालें तो फिर बस ऊपर जो रूट्स है प्लांट के वहाँ तक पानी जाए और नीचे सॉगी ना हो आपका जो सॉइल है वो। तो आपने देखा मैंने हाफ कप लिया पानी कप में, और फिर मैंने उसी हाफ कप से चारों जितने भी कप है उनमें मैंने वाटरिंग कर दी। ये देखिए उन चारों के साथ साथ मैंने और भी दो कप को यूज़ किया है। एक में मैंने मनी प्लांट की कटिंग लगाई है और दूसरे में मैंने गोल्डन मॉस सीडम लगाया है। आपके पास अगर कोई पुरानी ट्रे है तो आप उनमें भी इन्हें रख कर ऐसे सजा सकते हैं। मेरे पास ये वुडन ट्रे है, मैं कहीं से लेकर आई थी खरीद कर, और उसमें जब मैंने इसे इन 6 कप्स को ऐड किया तो इनकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए। इनमें आपको वाटरिंग तभी करनी है जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए, उससे पहले आपको पानी नहीं देना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।